आज हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे और सबसे पहले आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कोड ब्लॉक्स है, डेव है, एक वीएस कोड है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वीएस कोड। अब वीएस कोड स्टार्ट करें। वीएस कोड की पहले सेटिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम लिखें वीएस कोड में। प्रोग्राम लिखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप फाइल के लिए क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ एक फोल्डर बना हुआ है, दैट इज सीपीपी वर्क, राइट। तो आप भी एक फोल्डर बना के ऐड कर सकते हैं, या हम किसी वीडियो में और सीखेंगे अगर आपको ये फोल्डर बनाने नहीं आता है। अदरवाइज आप फाइल पे जाएं और फाइल पे आप न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करें और सबसे पहले इसको सेव कर लें। कंट्रोल एस प्रेस करें आप, और जब आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो जो आपका फोल्डर होगा आप उस फोल्डर में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये गुलेरिया फोल्डर है और इसमें आपने कहीं ना कहीं अपने फोल्डर्स बनाए होंगे। आप अगर जो भी फोल्डर्स बनाए, जैसे सीपीपी वर्क है, आप इसको सेलेक्ट करें, ओपन करें और इसमें जाके आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे फाइल का नाम दे देते हैं NOV-40.cpp। .cpp इज द एक्सटेंशन ऑफ योर सी प्लस प्लस फाइल। आप इसे सेव करें और आपके पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करें सो दैट कि आपके पास एक वर्किंग एरिया खूब मिल जाता है आपको। अब आप इसमें फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिखना चाहते हैं। एक्सटेंशन हमारी November-14.cpp फाइल बन गया। cpp इज द एक्सटेंशन, और अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखें आप टू फॉरवर्ड स्लैशेस एंड देन आप लिखें दिस इज माई फर्स्ट सीपीपी प्रोग्राम। आप जानते हैं कि इसको हम कमेंट कह सकते हैं क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के लिए है। अगर कमेंट आपको समझना है तो कमेंट को आप समझ सकते हैं कि इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कोड, और ये कमेंट जो है इट इज़ नॉट कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर। अब नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं इसमें हैश इंक्लूड एंड दैट इज व्हाट आईओ स्ट्रीम। इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आई विल एक्सप्लेन यू दिस लेटर ऑन। इंट मिन लिखें आप और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहां पर भी आप कमेंट लिख सकते हैं, दैट इज एंड ऑफ मेन फंक्शन, और एंड ऑफ प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन लिखें, दैट इज अगर इफ यू वांट टू राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेज सो यू कैन यूज हियर सी आउट देन टू एंगुलर ब्रैकेट्स एंड देन डबल कोट्स में आप लिखें यहाँ एनी मैसेज व्हिच यू वांट टू गिव वेलकम यू इन सी प्लस प्लस। सेमी कॉलन टर्मिनेट करता है स्टेटमेंट को। फिर सी आउट लिखें और आप इसमें लिखें एक और मैसेज देना चाहता हूँ मैं, दैट इज थैंक्स टू ज्वाइन एंड देन यू कैन राइट हेयर दैट इज कम टू हेल्प सेमी कॉलर। समटाइम्स वी कैन राइट हेयर द रिटर्न, दैट इज रिटर्न वर्ड दैट इज जीरो सेमी कॉलर। वी विल एक्सप्लेन दिस वट इज द रोल ऑफ दिस, लेकिन दिस इज वट दैट इज हाउ वी कैन राइट द फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस एंड देन देर इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने ये देखा कि वी एस कोड ओपन करके आप उसमें एक प्रोग्राम लिख सकते हैं डॉट सी पी पी, और प्रोग्राम की जो ये आपकी लाइन्स हैं उन लाइन्स का हाउ वी कैन राइट द फर्स्ट प्रोग्राम। अब आप राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप रन कोड पे क्लिक करें, और रन कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ टर्मिनल ओपन हो जाता है। और ये अगर आप हर एक लाइन को रीड किया करो कि इस लाइन का क्या मीनिंग है, आप यहाँ नोटिस करेंगे जी प्लस प्लस आया November-14.cpp दिस फाइल इज बीइंग कंपाइल्ड एंड यहाँ पर आप नोटिस करें तो आपके पास वेलकम यू इन सी प्लस प्लस थैंक्स टू ज्वाइन कंपनी हेल्प, ये हमारी आउटपुट आ गई। मैंने क्लोज किया इसको और मैं चाहता हूँ कि थैंक्स टू ज्वाइन कंपनी हेल्प नेक्स्ट लाइन पे आए, तो आप यहाँ पर एंडल लिख सकते हैं एंडल। और आपने फिर आपके पास यहाँ इंसर्शन ऑपरेटर लगाने हैं या दो लेस देन के सिंबल आपने यूज करने हैं। देन यू विल राइट क्लिक अगेन एंड यू विल रन दिस कोड वंस अगेन एंड यू विल चेक, यू विल सी द रिजल्ट दैट इज वेलकम यू इन सी प्लस प्लस एंड देन थैंक्स टू ज्वाइन कंपनी हेल्प इन द नेक्स्ट लाइन। तो ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम, कि हम इस फर्स्ट प्रोग्राम को
यहाँ सी प्लस प्लस में हम कैसे राइट कर सकते हैं. दिस इज ओनली दैट इज कैन राइट द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज सिंटेक्स वाइज राइट. एक्सप्लेनेशन वी कैन डू इन अदर पार्ट ऑल्सो. सो थैंक यू वेरी मच.